Hey guys, welcome to Pentek. दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही सिंपल और बिल्कुल न्यू एक लेजर होम सिक्योरिटी सिस्टम प्रोजेक्ट। तो पिछले वाले वीडियो में मैं इसको बनाया था 3.74 का लिथियम बैटरी को यूज करके, लेकिन आज हम इसको एक 9 वोल्ट का बैटरी को यूज करके बनाने जा रहे हैं, क्योंकि लिथियम बैटरी बहुत कॉस्टली होता है और ये हर जगह मिलता भी नहीं। और दोस्तों आप देखेंगे इस तरह का जो दूसरा प्रोजेक्ट है वहाँ पे एक छोटा सा कमियां है। दूसरे प्रोजेक्ट में आप देखेंगे जितने टाइम तक आप लेजर के सामने जाते हो उतने टाइम में अलार्म बजता है, हट जाने पर तुरंत अलार्म बजने भी बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो बहुत तेजी से लेजर के सामने से जाने पर भी थोड़ी देर तक अलार्म बजता रहता है। तो अगर मान लो कोई चोर पर बहुत तेजी से लेजर के सामने से चला गया फिर भी ये थोड़ी देर तक बजता रहेगा, लेकिन दूसरे पोजिशन में ऐसा नहीं होगा। आयोग के सामने से बहुत तेजी से जाएगा तो अलार्म तुरंत बज के बंद भी हो जाएगा, तो पता नहीं चलेगा कौन गया नहीं गया। और दोस्तों यहाँ पर आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है, ये 100% वर्किंग मॉडल है। आप चाहते हो इसको स्कूल प्रोजेक्ट या किसी भी साइंस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही कम खर्चा बना सकते हो, आपको फर्स्ट प्राइज जरूर मिलेगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं इसको बनाते कैसे। तो पहले देख सकते हो ले हम इस तरह के कार्डबोर्ड, उसके बाद देख सकते हो ले एक छोटा सा घर का मॉडल और इसको हम सिंपल यहाँ पर चिपका देंगे ग्लू के मदद से। उसके बाद लेना है हमें इस तरह का एक लकड़ी का टुकड़ा और ये बेसिकली एक पार्ट यानी जूट का स्टिक है, तो इसको 5 सेंटीमीटर करके काट कर लेना है छोटा छोटा पीस में। तो देख सकते हो यहाँ पर हमने इस तरह का 4 पीस बना लिया। आप यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर छोटा छोटा छेद बना लेना है यहाँ पर वायर या धागे को डालने के लिए। तो चलिए यहाँ पर सिंपली हम किसी भी नोकीले चीज़ से यहाँ पर छेद कर देंगे। एक ऊपर करना है कि नीचे करना है, देख सकते हो इस तरह से छेद बांध लिया। और यहाँ पर सारे लकड़ी के साथ ही करना है सेम हो गया। तो यहाँ पर अब हम चारों पीस को चारों कॉर्नर पे ग्लूगन से सेट कर लूँगा। देख सकते हो यहाँ पर हमने चारों पीस को बहुत अच्छे से चिपका लिया। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर हम ले लिया 2 कॉपर वायर और यहाँ पर आप धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए यहाँ पर सिंपली इस छेद में से डाल के यहाँ पर इसको सेट कर लेते हैं दोनों वायर को। देख सकते हो यहाँ पर मैंने वायर को बहुत अच्छे से सेट कर दिया और ये दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसको अभी के लिए साइड में रखते हो, सर्किट को बना लेते हैं। तो पहले यहाँ पर चाहे मैं एक ट्रांजिस्टर BC547, उसके बाद चाहे मैं एक रजिस्टर 4.7K का, और उसके एक साइड को मैं जोड़ देना है ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ और दूसरी साइड को मैं जोड़ देना है ट्रांजिस्टर की बेस पिन के साथ। उसके बाद दोस्तों चाहे हमें एक LDR और इसका भी रजिस्टर की तरह कोई पॉलिटी नहीं होता है, तो इसका किसी भी एक लॉक को यहाँ पर ट्रांजिस्टर का बेस पिन के साथ जोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों चाहे मैं एक LED और यहाँ पर देख सकते हम एक रेड कलर के LED को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर LED का पॉजिटिव को जोड़ देना है ट्रांजिस्टर का एमिटर पिन के साथ और नेगेटिव को जोड़ देना है LDR का दूसरे पिन के साथ। उसके बाद दोस्तों चाहे मैं एक बाजार और इसका पॉजिटिव का भी जोड़ना है LED का पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव का भी जोड़ना है LED का नेगेटिव के साथ। उसके बाद दोस्तों चाहे हमें 9 वोल्ट का बैटरी और एक कनेक्टर, तो इसका पॉजिटिव पिन के यहाँ पर हमें जोड़ना है ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन के साथ और नेगेटिव पिन का हमें जोड़ना है ये LDR का दूसरे पिन के साथ।
उसके बाद देख सकते हो ले लिया कैपेसिटर 470 यूएफ का, यहाँ पर आप 1000 यूएफ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जितना ज़्यादा यूएफ का करोगे उतना ज़्यादा देर तक बीप करेगा, और यही सबसे आइडियल है 470। आप इससे कम भी लगा सकते हो, ज़्यादा भी लगा सकते हो, अपने हिसाब से लगा लेना कुछ भी। और इसका कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, कैपेसिटर का पॉजिटिव को जोड़ देना है बाजार और एलईडी का पॉजिटिव के साथ, और नेगेटिव को जोड़ देना है बाजार और एलईडी का नेगेटिव के साथ। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सर्किट 100% कंप्लीट हो चुका है, चलिए एक बार बैटरी को लगा के एक बार टेस्ट करके देखा देते। तो देख सकते हो जैसे बैटरी को लगाया वैसे बीप करने लगा, और देखना जैसे मैं इस लेज़र बीम इस एलईडी पे मारूंगा ये ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। देख सकते हो कुछ देर बाजने के बाद ये स्टॉप हो रहा है एक कैपेसिटर के कारण। आप चाहते हो कैपेसिटर को स्किप भी कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है, इसका सर्किट डायग्राम आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देख सकते हो बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहे हैं, एक्चुअली आप इसको पहले इस मॉडल के साथ सेट कर देते हैं उसके बाद इसका असली काम पता चलेगा। और दोस्तों बता दूँ यहाँ पर आप इस लेजर लाइट के बदले में जो लेजर डायोड होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो और भी अच्छा होगा। और देख सकते हो यहाँ पर एक जिप टाइप को इस तरह से लगा दिया, इससे होगा क्या जब इसको आप परमानेंटली ऑन करना चाहोगे तब इस तरह से इसके ऊपर चार देने से परमानेंटली ऑन होकर ही रहेगा, आप अपने से कुछ भी जुगाड़ कर सकते हो। तो चलिए आप सारी चीज़ों को मॉडल के ऊपर सही से सेट कर लेते हैं, उसके बाद अच्छे से टेस्ट करके भी दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर ग्लू से फटाफट चिपका लेते हैं। देख सकते हो उसको मैंने बहुत अच्छे से ग्लू गन से चिपका लिया। आप चलिए लेज़र लाइट को एलईडी पे फिट कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से बारीकी से सेट करना है, लेज़र का बीम एकदम एलईडी पर ही गिरना चाहिए। देख सकते हो पूरा लेज़र लाइट एकदम एलईडी पर जाकर गिर रहा है। चलिए अब इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। देख सकते हो एक्टिवेट हो गया और ये यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी भी हो चुका है, मतलब टेस्ट करने के लिए। तो देखना जैसे मैं हाथ को इसके सामने लाऊंगा कैसे ये बीप करेगा, और ये थोड़ी देर तक बजता रहेगा। तो मान लो यहाँ पर कोई भी बहुत तेज़ी से लेज़र के सामने से चला गया उसके बाद भी थोड़ा देर तक अलार्म बजता रहेगा, जो दूसरे पूजे में ऐसा नहीं होता है। देख सकते हो ऐसे ही दूसरे पूजे में आप देखोगे जितना टाइम आप लेज़र के सामने रहते हो उतना टाइम ही बीप करते हैं, और हट जाने पर तुरंत ही अलार्म बजने भी बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो मैं फट से सामने से गया फिर भी ये थोड़ी देर तक अलार्म बजता रहता है। तो अगर मान लो कोई चोर यहाँ पर बहुत तेज़ी से लेज़र के सामने से चला गया फिर भी ये थोड़ी देर तक बजता रहेगा, लेकिन दूसरे पूजे में ऐसा नहीं होगा, अगर सामने से बहुत तेज़ी से जाएगा तो अलार्म तुरंत बज के बंद हो जाएगा, तो पता नहीं चलेगा कौन गया नहीं गया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जोर एक लाइक करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो दोबारा देखने के लिए चैनल को भी जोर सब्सक्राइब कर लेना, दिए गए बेल आइकन को भी जोर दबा देना ताकि आपका ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो भी मिस ना हो। और आपके इस वीडियो से जुड़े कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।